भारत में पहली बार कोरोना संक्रमण के मामले 4 लाख के पार। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना महामारी के बीच एक महीने तक चला कुंभ शुक्रवार को संपन्न, 70 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, कई पाए गए पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए भारत में लॉकडाउन जरूरी, बोले राष्ट्रपति बाइडेन के मुख्य मेडिकल एडवाइजर एंथनी फाउसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना मरीजों के लिए शुरू की हेलो डॉक्टर मेडिकल हेल्पलाइन, डॉक्टरों से जुड़ने की अपील। यूपी पंचायत चुनाव के मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक, ड्यूटी में लगे 700 से ज्यादा शिक्षक और चुनाव आयोग के अधिकारी समेत एक सैनिटेशन कर्मचारी की भी संक्रमण से हुई है मौत। दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को चेतावनी, ऑक्सीजन 2 वरना अवमानना का सामना करो। राजधानी दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बाद 12 कोरोना मरीजों की मौत, अगले 24 घंटे कई मरीजों के लिए बहुत कीमती। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्रधानमंत्री मोदी को संदेश, कोविड संकट में मदद की पेशकश की। और आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली में निधन, उम्र कैद की काट रहे थे सजा।